योरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्ति द्विपदे संचतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं शठारिं श्री रामानुजगुरुं तथा प्रतिवादिभयं विश्वक्सेनमहं भजे विश्वक्सेन कृपां बोधो मज्जमानं यतीश्वरं रामनारायणाचार्यं यतिं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम वह संबंधों के बल पर कभी कसौटी पर कसा जाने लगता है तो वो कसौटी जो कि परखने वाली होती है वो भी फेल हो जाती है। तो प्रेम ऐसी वस्तु है, ऐसा तत्व है, ऐसी अनुभूति है, ऐसी फीलिंग है कि वह किसी शब्द के माध्यम से कैसे व्यक्त की जा सकती है। जो हृदय का विषय है उसे शब्दों में कैसे पिरोया जा सकता है, लेकिन फिर भी शब्दों में लोग पिरोते हैं, सूर्य की भी आरती करते हैं। यद्यपि सूर्य में बहुत प्रकाश है तो आरती करने का औचित्य तो उनका उपचार है, आराधन है। उसी प्रकार प्रेम को व्याख्यायित करने का, प्रेम का व्याख्यान करने का, प्रेम का निर्वचन करने का एक अगर स्वभाव ही किसी का हो, निर्वचन करना ही, मीमांसा करना ही स्वभाव हो जाए तो मीमांसा करेगा। और यहाँ तो मित्रों के प्रेम की बात है, आपसे मित्रों के प्रेम की बात और चर्चा करें तो राम जी के मित्र हैं अयोध्या के, जिसकी चर्चा मैंने की आपकी। उसी प्रकार यहाँ जनकनंदिनी जानकी को भी अपनी बहन मानने वाले कितने हैं सब बच्चे, जिन्होंने जानकी जी के साथ खेला है, जिन्होंने कमला विमला नदियों में स्नान किया है, मिथिला में। तो वो सब जानकी जी के संबंध से भगवान राम जी के प्रेम में डुबकी लगाते हैं। जो अयोध्यावासी हैं वो अयोध्या के हैं, हमारे भैया राम जी हैं, राजाधिराज हैं, दशरथ जी के बड़े बबुआ हैं, तो युवराज हैं। युवराज और राजा में बड़ा फर्क है, राजा से ज़्यादा सुख युवराज को रहता है। राजा को जो सुख प्राप्त है और जो अधिकार प्राप्त हैं विशेष रूप से बिना कहे हुए बिना लिखे हुए, वो अधिकार युवराज को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन राजा को टेंशन होता है, युवराज को टेंशन नहीं होता, वो टेंशन फ्री होता है और वैभव भोगता है राजा का। इसलिए पंचरात्रागम आदि ग्रंथों में वैकुंठ का राजा विश्वक्सेन जी को माना गया है और भगवान नारायण को युवराज के रूप में माना गया है आगम ग्रंथों में। उसी प्रकार यहाँ अभी युवराज हैं राम जी, तो इनके मित्र सब बड़े प्रसन्न हैं, राजा रामचंद्र की जय बोल रहे हैं। अब मिथिला वाले जो हैं वो जानकी जी के संबंध से राम जी के प्रेम में डूबे हैं, वो बोले राजा राम यहाँ नहीं चलेगा। बोले तो क्या चलेगा? बोले यहाँ जीजा राम चलेगा। बोलो जीजा रामचंद्र की जय। अब जानकी जी के साथ खेलने वाले सब जीजा रामचंद्र की जय बोल रहे हैं, राम जी के इष्ट मित्र यार दोस्त सब राजा रामचंद्र जी की जय बोल रहे हैं। हम दोनों में आमने सामने कहा सुनी हो गई। अब और जोर से राजा रामचंद्र की जय बोल, और जोर से जीजा रामचंद्र की जय बोल रहे। अब राम जी बेचारे दोनों के प्रेमी हैं, ससुराल का पक्ष इधर प्रभावी हो रहा है, इधर गांव देश घर का वही बरहो महीना इन्हीं के बीच में रहना है हमको। ससुराल तो कभी कभी आएंगे तो साध लेंगे इनको, कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई भी कम नहीं है।
जीजा रामचंद्र की ध्वनि आ रही है तो राजा रामचंद्र की ध्वनि आ रही है, तो कोई कम नहीं है। अगर ये योगी हैं तो वो सब भी योगी हैं, योगीराज राजा जनक हैं। और यहाँ प्राणापानो समावास्ताम रामे राज्यम प्रशासति, ये भी योग है, क्या कहें। अब वो सब मिथिला वाले तो मिथिला वाले हैं, तार्किक हैं। उन्होंने कहा देखो एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक काम करो। क्या काम करें? बोले राजा राम और जीजा राम तो राम राजा लिख दो और राम जीजा लिख दो। बोले तो क्या होगा? बोले लिखो ना पहले। बोले लिखो। अब राम राजा, राम जीजा, राजा राम, जीजा राम, चाहे जैसे लिखो। बोले लिखने से क्या होने वाला है, तुम जीत जाओगे? बोले हाँ जीत जाएंगे। अच्छा बताओ। बोलो कैसे जीत जाएंगे? बोले देखो एक बात बताओ, राजा और जीजा इन दोनों की मात्राओं को हटा दो तो राजा का, और राजा में आ है उसको हटा दो। बोले तो क्या होगा? बोले आ हट जाएगा तो रज हो जाएगा। बोले रज हो जाएगा। बोले हाँ। और बोले जीजा की मात्रा हटा दो। बोले जीजा की मात्रा हटा दो क्या हो जाएगा? अब मिथिला वाले लड़के बोले आप ही बताओ क्या हो जाएगा, आप बोलो। बोल अब बोले अब बोलने में तो मन में आ रहा है, अब कैसे बोलें, हारना चाह नहीं रहे हैं। बोले अरे जज हो जाएगा जज, राजा की मात्रा हटने पर वो रज हो जाएगा और जीजा की सब मात्रा हटा दोगे तो भी जज हो जाएगा, इसलिए जीजा रामचंद्र की जय। और राजा रामचंद्र उसी में समाहित हो गए। तो मित्रता जो है, मैत्री और प्रेम, ये संबंधों के साथ भी, यद्यपि प्रेम को व्याख्यात नहीं किया जा सकता है निर्वचन, लेकिन फिर भी अपने माध्यम से लोग वैभव बतलाते हैं। और इसी वैभव का रस लेना ही प्रेम का वास्तविक रस है और वास्तविक यथार्थ है। और इसी को समझना हम सब लोगों को भगवान के संबंधों में डुबकी लगाने का एक अवसर प्रदान करता है। ओम शांति शांति शांति। या ही तिराघव। राम जी कहते हैं चलो चलो चलो। अंत में राम जी बोलते हैं सुमंत्र जी से, अरे सुमंत्र जी, चाचा जी की तरह सम्मान करते हैं ना सुमंत्र जी का, राम जी जैसे अपने चाचा का कोई सम्मान करे उस तरह। लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथयामो न मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा यति पति पद भृंगम कौशिकाधीश चंद्रम सठरी कुमत सत्तम वादि सिंहार्य भक्तम कमल नयन मार्या नंत वर्येक शिष्यम सकल बुध वरिष्ठम योगी राजम भजामी योगी राजम भजामी।